जस्ट एक्सरे पर अगर आपके दाग है और दाग को खत्म करना चाहते हो तो आज की वीडियो देख लो। जस्ट एक्सरे पर दाग मुकम्मल खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया कना बदू वइया कना सैन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि हमारे चेस्ट के ऊपर दाग है, क्या ओबीसी मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल, गम्स मेडिकल, चेस्ट के ऊपर दाग है उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मसला आ रहा है, चेस्ट एक्सरे में दाग आ रहा है, बार बार दाग आ रहा है, तो हमें इसको कैसे रिमूव करें, हाउ टू रिमूव चेस्ट एक्सरा, जो स्पॉट आता है चेस्ट एक्सरे में दाग आता है उसको खत्म कैसे करें। आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जस्ट एक्सरे पर दाग कई रीजन होते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं और आज फिर बना रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको बताऊँगा। चेस्ट एक्सरे में दाग कई रीजन से आता है। पहला रीजन है स्मोकिंग, अगर आप करते हैं स्मोकिंग की वजह से चेस्ट एक्सरे पर दाग आ जाते हैं। और दूसरी रीजन ये है कि आपको अगर खांसी है, जुकाम है, रेशा है, तो इस हालत में भी आपके चेस्ट एक्सरे में दाग आ जाता है, चेस्ट पर दाग बन जाता है। जब आप खांसी, जुकाम, रेशा है, इन चीजों को अंदर खींचते हैं तो वो इधर चेस्ट पर जम जाती है, जिस वजह से आपका दाग आता है। और तीसरी वजह यह हो सकती है कि आप बिल्कुल ठीक है, आपके चेस्ट एक्सरे में कोई दाग नहीं है, लेकिन आप जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको बोला जाता है सांस लो, सांस छोड़ो, लेफ्ट राइट, आप वो सही से नहीं करते। आपने बिल्कुल आवाज को सुनना है, जैसे बोले लेफ्ट आपने लेफ्ट, जैसे बोले राइट आपने राइट टच करना है, सांस लेनी, सांस छोड़नी, बिल्कुल उनके हिसाब से चलना है। और उसके बाद मान लेते हैं आपके चेस्ट के ऊपर दाग है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मैंने पहले भी बोला नारियल का पानी इस्तेमाल करें। नारियल के पानी में वो ताकत होती है जो आपके चेस्ट के ऊपर गंदगी है उसको खत्म करता है। और दूसरा, आप जैतून का तेल जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैतून का तेल रोजाना रात को सोने से पहले एक चम्मच आप खाएं और उसके बाद नीम गर्म दूध पी लें, उससे भी आपके जो चेस्ट के ऊपर किसी भी किस्म का दाग है, फ्रैक्चर है या कुछ भी मसला है, वो जैतून के तेल के आपको और भी फायदे नजर आ जाएंगे। अगर आप गूगल पर जाएंगे, अगर मैं इस वीडियो में बताने लगूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मुनासिब से बात कर रहा हूँ। जैतून का तेल आपने एक चम्मच रात को सोने से पहले नीम गरम दूध के साथ पिए और मुसलसल जितने दिन आपका मेडिकल है, मेडिकल से 15 दिन या 20 दिन मैक्सिमम चाहिए इसको रिजल्ट लाने में, तो 15-20 दिन पहले आपने नारियल का पानी भी इस्तेमाल करना है और जैतून का तेल जो खाने के लिए होता है, एक पकाने के लिए, मालिश के लिए होता है, ठीक है, एक खाने के लिए अलग होता है, आपने मालिश वाला नहीं खाना, और नीम गरम दूध इसके साथ आपने लाजमी पीना है। और 15 से 20 दिन का वक्फा लें और अपना रिजल्ट आपको इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। और दूसरा, स्मोकिंग, इन चीज़ों को, नशावार चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आप फिर कैसे अपने चेस्ट एक्सरे को ठीक करेंगे, फिट लाएंगे। तो इन चीज़ों को छोड़ दें और जो जो मैंने बताया, जैतून का तेल खाने वाला, नीम गर्म दूध, उसके बाद नारियल का पानी, ये चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेस्ट एक्सरे को फिट आने में 20 दिन के अंदर अंदर आपका चेस्ट एक्सरा फिट हो जाएगा। आप बेहतरीन मेडिकल के लिए जाएं या किसी भी काम के लिए अपने चेस्ट एक्सरे को यूज करें। ज्यादातर गल्फ कंट्री में अगर आप आना चाहते हैं, सऊदीया, बहरीन, कुवैत, कतर, दुबई, तो आपको चेस्ट एक्सरा ब्लड मेडिकल करवाना पड़ता है जिसमें चेस्ट एक्सरा होता है, तो चेस्ट एक्सरे को पास करने तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं
तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।